सुपर फास्ट 100 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सुपर फास्ट 100 में बढ़ेंगे, उससे पहले बड़ी खबर का जिक्र करते हैं, हरदा का हम जिक्र करते हैं। पटाखा फैक्ट्री में हादसे के बाद अलग अलग जिलों में प्रशासन अवैध पटाखा भंडारण को लेकर कार्रवाई कर रहा है। इंदौर में प्रशासन की टीम ने 24 से ज्यादा दुकान, फैक्ट्री और गोदामों को सील भी किया है। सील किए गए संस्थानों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। प्रशासन का यह कहना है कि जिन संस्थानों में सुधार की गुंजाइश होगी उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान पटाखे की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी भी रहेगी। इंदौर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 24 से ज्यादा दुकान, गोदाम को सील करने की कार्रवाई यहां पर की गई है। हरदा हादसे के बाद इंदौर प्रशासन का एक्शन, समझ लीजिए कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस मामले में हरदा में जो हादसा हुआ उसके बाद एक्शन में प्रशासन आया है। इसके पहले जागृति नहीं आ रही थी, अब जाकर जागे हैं प्रशासनिक अधिकारी। तो हमारे पास में आंकड़ा आया था, लगभग 24 के आसपास हम लोगों ने फैसिलिटी सील करी थी, जिनमें फैक्ट्री भी शामिल थे और गोडाउन भी शामिल थे। लेकिन कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं और पुलिस अधिकारी हैं, उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सीलिंग के अलावा हम लोगों को अगर लगता है कि वहां पर सुधार का कोई कार्य नहीं हो पाएगा फैक्ट्री में या गोडाउन में, तो उसका लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई करनी है। और अगर हमें लगता है कि वहां पर सुधार का कार्य कराया जा सकता है, तो केवल और केवल सुधार के कार्य करने के लिए उनको संबंधित जो ओनर है उसको छूट प्रदान करी जाएगी। और मिथिलेश गुप्ता संवाददाता इंदौर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, ये कार्रवाई की गई और इतनी बड़ी संख्या में कार्रवाई होना ही ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि प्रशासन जो जिम्मेदारी है वो सही समय पर निभा नहीं रहा था, वरना इतनी बड़ी संख्या में कार्रवाई इतने लोगों पर नहीं होती और यहाँ पर भी हादसे की गुंजाइश तो बनी ही हुई थी। पुनीत, बिल्कुल आपने सही कहा कि शायद अगर पहले कार्रवाई की गई होती तो ये संख्या इतनी नहीं होती, और ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि कार्रवाई की बेहद जरूरत थी इंदौर में या कहीं भी किसी भी शहरों में। जब हादसे होते हैं उसके बाद ही कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई की गई है, 24 ऐसे दुकानों पर कार्रवाई की गई है जहां पर जो बारूद है, जो विस्फोटक सामग्री है वो ज्यादा रखी गई थी, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे गोडाउन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सील कर दिया गया है। इसके अलावा एक और जो फैक्ट्री है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बकायदा उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि उसके पास में जरूरत से ज्यादा बारूद का भंडारण मिला था, तो उसके खिलाफ में बहुत आने पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए, अब कार्रवाई की जा रही है, सील किया जा रहा है, FIR दर्ज भी किया जा रहा है। इंदौर का कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि सिर्फ सील की कार्रवाई नहीं की जाएगी, जहां पर भंडारण ज्यादा मिलेगा, जहां पर ऐसा लगता है कि यहां पे सुधार नहीं होंगे, उस जगह को कैंसिल करना, यानी जो लाइसेंस है उसके निरस्तीकरण का काम भी किया जाएगा। तो अब पटाखों के खिलाफ सख्ती देखने को मिल रही है, प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, और रानीपुरा और तमाम जो पुराने क्षेत्र है वहां पर जिन दुकानों में, जिन गोडाउन में पटाखे रखे हुए थे, बारूद रखा गया था, उसे खाली करा दिया गया है। और इस वक्त करीब 50 से ज्यादा ऐसे दुकान है जिसमें ताला लग गया, यानी कार्रवाई के डर से व्यापारियों ने खुद भी ताला लगा दिया है। ये सब आंकड़े जो है ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि प्रशासन के नाक के तले क्या कुछ चल रहा है। जब कोई हादसा होता है, जब कोई कुछ होती है, उसमें बड़ी कार्रवाई की जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, इस जानकारी को साझा करने के लिए। आइए सुपरफास्ट 100 की करते हैं शुरुआत।